Welcome to Blind Bankers of India. The videos uploaded on this channel are recorded for educational purposes. These are specially designed for persons with vision impairment. Press the bell icon to subscribe to our channel. नमस्कार साथियों, मैं अमन कुमार बंसल आज आपके साथ बात करूंगा फॉर फिक्सेशन ऑफ लिमिट अंडर केसीसी एंड ऑपरेशंस इन द अकाउंट। केसीसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोन है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, जिसके अंदर किसान की सारी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उसको ऋण प्रदान किया जाता है। यहाँ हम जानना चाहेंगे सबसे पहले कि किसान की किन किन जरूरतों के लिए हम केसीसी में उसको ऋण प्रदान करते हैं। पहला, जो उसकी क्रॉप के कल्टीवेशन है उसके लिए जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स हैं। दूसरा, होस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस। तीसरा, हाउस होल्ड कंजम्पशन नीड्स। चौथा, प्रोड्यूस मार्केटिंग लोन्स। पांचवा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। एंड लास्ट वन इज इन्वेस्टमेंट क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। तो यहाँ हम सीखने की कोशिश करेंगे कि लिमिट कैसे फिक्स की जाती है जब कोई केसीसी लेने हमारे पास ब्रांच में आता है। तो सबसे पहले हमें दो चीजों की आवश्यकता है। पहला, हमें यह सुनिश्चित करना है कि किसान के पास कितनी जमीन है, और दूसरा उसका क्रॉपिंग पैटर्न। यह हमें कहां से पता चलेगा? जब किसान हमारे पास केसीसी के लिए ऋण आवेदन करने आता है तो उससे हमें उसकी खसरा और खतौनी लेनी है। खसरा खतौनी से हमें पता लगेगा कि किसान के पास कितनी जमीन है। यहां हमें एक बात का अवश्य ध्यान रखना है कि हमें यह सुनिश्चित कर लेना है कि भूमि का स्वामित्व एक ही किसान के पास है। यदि भूमि का स्वामित्व एक से अधिक किसान के पास हो तो हमें शेयर क्रॉप सर्टिफिकेट अवश्य लेना है, जिससे हमें उसके हिस्से के बारे में पता चल सके कि जो किसान हमारे पास ऋण लेने आया है उसके हिस्से में कितनी भूमि आती है। जब हमें यह पता लग जाए कि किसान के पास कितनी भूमि है और हमें यह पता करना है कि उसका क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, अर्थात वह क्या फसल अपनी जमीन पर पूरे वर्ष में बोना चाहता है। जब ये दो चीजें हमारे पास हो तो हमें चाहिए उस फसल के लिए स्केल ऑफ फाइनेंस। स्केल ऑफ फाइनेंस कौन निर्धारित करता है? यह जिला स्तर पर एक कमेटी बनाई जाती है जिसको हम कहते हैं DLTC, अर्थात डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी। उसके द्वारा निर्धारित किया जाता है कि किसी फसल को बोने के लिए पूरे वर्ष में कितना एक्सपेंस आता है। सभी मानकों को मद्देनजर रखते हुए एक स्केल ऑफ फाइनेंस बना दिया जाता है। अब हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से सीखने की कोशिश करेंगे कैसे केसीसी की लिमिट हम बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि जो किसान हमारे पास केसीसी ऋण लेने आया है उसके पास 2 हेक्टेयर भूमि है और वह गन्ने की फसल अपनी जमीन पर बोना चाहता है, और जिले में जो स्केल ऑफ फाइनेंस निर्धारित किया गया है शुगर केन अर्थात गन्ने के लिए वह है ₹50,000 per hectare। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यदि हम उसकी शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट निकालना चाहते हैं फॉर क्रॉप कल्टीवेशन तो हमें क्या करना है? उसका स्केल ऑफ फाइनेंस मल्टीप्लाइड बाय एक्सटेंट ऑफ लैंड। दैट मींस इन दिस एग्जांपल 2 हेक्टेयर जमीन है और ₹50,000 प्रति हेक्टेयर की लागत है स्केल ऑफ फाइनेंस के लिए, तो 2 × 50,000 दैट मींस 1 lakh रुपी, ये हमारी शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट आ जाती है उसकी क्रॉप की कल्टिवेशन के लिए। अब जैसा कि हमने पहले भी बात की कि इसमें सिर्फ उसकी जो क्रॉप कल्टिवेशन के लिए रिक्वायरमेंट है वही नहीं पूरी करनी है, हमें बाकी जरूरतों के लिए भी इसमें ऋण प्रदान करना है, तो हम इसमें 10% ऐड करेंगे फॉर पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस एंड हाउस होल्ड कंजम्पशन नीड्स। यानी कि यदि हम 1,10,000 10% निकालें तो वो बन जाता है ₹10,000, और 20% हम इसमें ऐड करेंगे फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ऑफ फार्म एसेट्स एंड वेरियस काइंड ऑफ इंश्योरेंसेस लाइक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, फार्म एसेट इंश्योरेंस एटसेट्रा। यानी कि यदि हम 1,20,000 यहाँ कैलकुलेट करें तो वो आ जाएगा हमारे पास ₹20,000। तो टोटल जो हमारे लिए फर्स्ट ईयर की जो उसकी रिक्वायरमेंट निकल के आती है वो बन जाती है 1,00,000 + 10,000 + 20,000, यानी कि ₹1,30,000। तो ये हमारी फर्स्ट ईयर की लिमिट अराइव हो जाती है। अब यदि हमें सेकेंड ईयर की लिमिट अराइव करनी है तो कॉस्ट एस्केलेशन को देखते हुए जो स्केल ऑफ फाइनेंस में हर वर्ष हो जाता है उसके लिए 10% पिछले वर्ष की लिमिट में ऐड कर दिया जाता है। यानी कि यदि हम बात करें इस एग्जांपल के माध्यम से तो हमें जो सेकंड ईयर की लिमिट निकालनी है उसमें फर्स्ट ईयर की लिमिट प्लस 10% ऑफ फर्स्ट ईयर लिमिट अर्थात 1,30,000 प्लस यदि हम 10% लें 1,30,000 का तो दैट इज
13,000 रुपए, यानी कि टोटल हमारा बन जाता है 1,43,000 रुपए। तो ये हमारी दूसरे साल की केसीसी की लिमिट बन जाती है। सिमिलरली हम तीसरे साल की लिमिट निकाल सकते हैं, वो कैसे निकालेंगे, सेकंड ईयर की लिमिट प्लस 10% ऑफ सेकंड ईयर लिमिट, अर्थात 1,43,000 प्लस 10% ऑफ 1,43,000, यानी कि हम उसमें 14,300 रुपए ऐड कर देंगे तो हमारे पास 1,57,300 रुपए बन जाएगी। सिमिलरली हम फोर्थ ईयर की निकाल सकते हैं जो हमारे पास 1,73,000 रुपए आएगी, और हम पांचवें साल की भी ऐसे ही निकाल सकते हैं जो हमारे पास 1,90,000 रुपए बनेगी। तो इस प्रकार हमारे पास पांचों साल की उसकी लिमिट तैयार हो गई, फर्स्ट ईयर की 1,30,000 से लेकर पांच साल की 1,90,000 तक। तो अब हमारे लिए प्रश्न पैदा होता है कि जब हम उसका केसीसी अकाउंट खोलते हैं तो उसकी सैंक्शन लिमिट क्या रखी जाएगी, और प्रत्येक वर्ष की जो, क्योंकि हमारे पास लिमिट अलग अलग आई हुई है, तो हम उसको ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहां सीखने का विषय है कि जो हम केसीसी का खाता खोलेंगे उसमें हमारी सैंक्शन लिमिट रहेगी, जो हमारी पांच साल की सैंक्शन लिमिट आई हुई है, यानी कि 1,90,000 रुपए। तो हम कैसे इसको फिक्स करेंगे, जब हम अकाउंट खोलते हैं तो उसमें एक ड्रॉइंग पावर का ऑप्शन हमें दिया गया है, तो वहां पे एक ड्रॉइंग पावर इंडिकेटर होता है जिसको हम एम सेलेक्ट करेंगे, अर्थात मेंटेन, यानी कि हम उसको मैन्युअली मेंटेन करेंगे कि किस साल के लिए हमें उसकी ड्रॉइंग पावर कितनी रखनी है। तो फर्स्ट ईयर के लिए हम इसको ड्रॉइंग पावर को 1,30,000 सेट करेंगे, एंड सेकंड ईयर के लिए फिर 1,43,000, एंड सो ऑन। जब केसीसी अकाउंट खोला जाता है तो उसकी अवधि होती है पांच साल, पर उसमें हर एक साल के बाद अकाउंट को रिव्यू किया जाता है। तो एक साल के बाद जब हम अकाउंट को रिव्यू करते हैं तो उसके बाद हमें दो चीजों का ध्यान रखना है, एक हम HAC LHM से उसकी रिव्यू डेट चेंज करेंगे जिसको एक साल के आगे बढ़ा देंगे, और HAC DPM से उसकी ड्रॉइंग पावर चेंज कर देंगे। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें कुछ ऑपरेशंस के बारे में कि केसीसी में ऑपरेशंस कैसे किए जाते हैं। केसीसी वैसे तो एक लोन अकाउंट है जो कि पूरा एक रिवॉल्विंग क्रेडिट अकाउंट की तरह, क्रेडिट कैश क्रेडिट जैसा अकाउंट होता है हमारा, उसकी तरह काम करता है। पर यहां यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि केसीसी अकाउंट का जो स्कीम टाइप है दैट इज SBA, यानी कि सेविंग बैंक अकाउंट। ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि केसीसी अकाउंट के अंदर आपका क्रेडिट में बैलेंस रहता है तो इस पर आपको ब्याज भी दिया जाता है, जो कि उस समय का सेविंग अकाउंट में प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो साथ ही हम जान लेते हैं कि केसीसी में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो यदि आपका केसीसी 3,00,000 तक खोला जाता है, यानी कि आउटस्टैंडिंग आपकी रुपीज 3,00,000 तक रहती है, तो इसमें सिंपल 7% के ब्याज से ब्याज लगाया जाता है, 7% की रेट से ब्याज लगाया जाता है। और यदि 3,00,000 से अधिक का केसीसी है या फिर इरेगुलर केसीसी है तो उसमें MCLR फॉर 1 ईयर प्लस 1.05% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं ऑपरेशंस की। सपोज आज है 8 अप्रैल 2020 और आज हम एक अकाउंट केसीसी का खोलते हैं, और इसी एग्जांपल के तौर से बात करें तो फर्स्ट ईयर की उसकी ड्रॉइंग पावर की जो लिमिट है वो है 1,30,000 रुपया। तो और आज ही फार्मर हमसे 50,000 रुपये डेबिट करके ले जाता है, ठीक है। अब 2 महीने बाद वो लगभग फिर से आता है हमारे पास और 1 जून 2020 को फिर से 40,000 रुपये डेबिट करता है। कर सकता है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्योंकि उसके पास ड्रॉइंग पावर लिमिट है 1,30,000 और अभी तक उसने कितना डेबिट किया है, 50,000 8 अप्रैल को किया और 1 जून को किया उसने 40,000, यानी कि टोटल 90,000 उसने डेबिट किया है। तो यानी कि अभी तक उसके पास अवेलेबल बैलेंस कितना बचता है, 40,000 रुपया। अब मान के चलिए कि 1 सितंबर 2020 को कस्टमर आता है और आपके पास 20,000 रुपया जमा कर देता है, अर्थात क्रेडिट कर देता है अकाउंट में। बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि ये रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी है और कितने भी नंबर ऑफ डेबिट क्रेडिट इसमें अलाउड होते हैं। तो आप बताइए मुझे कि कितना इसमें इफेक्टिव बैलेंस बच जाता है, यानी कि उसके पास डेबिट करने के लिए कितना बैलेंस अवेलेबल है। तो सिंपल सा आंसर है इसका कि उसने 90,000 अभी तक डेबिट किया था, लेकिन क्योंकि 20,000 उसने रिवर्स उसमें क्रेडिट कर दिया है, तो यानी कि जो इफेक्टिव डेबिट अभी उसका बचता है दैट इज 70,000। तो यदि हम उसका इफेक्टिव बैलेंस बात करें तो DPC उसकी 1,30,000 और टोटल इफेक्टिव डेबिट अभी उसका बचता है 70,000, यानी कि उसके पास अभी जो इफेक्टिव बैलेंस अवेलेबल है दैट इज रुपीज 60,000, राइट। अब इसमें मेन समझने वाली बात यह है कि एक ही थंब रूल है इस अकाउंट का कि कोई भी एंट्री एक साल से ज्यादा के लिए विदस्टैंड नहीं करनी चाहिए, यानी कि जो एंट्री 50,000 की हुई थी 8 अप्रैल 2020 तक, उसको सेटिस्फाई करने के लिए उसके पास टाइम है 7 अप्रैल 2021 तक, और हर एक क्रेडिट एंट्री सबसे पहली डेबिट एंट्री को सेटिस्फाई करती है, जो कि हमारा क्लेटन रूल कहता है। यानी कि
जो 20,000 की जो एंट्री हुई उसने जो 50,000 की एंट्री डेबिट एंट्री हुई थी 8 अप्रैल 2020 को उसको पार्शियली सेटिस्फाई कर दिया है। यानी कि यदि अब उसको मैं बात करूं जो कि एक साल तक उसको एंट्री सेटिस्फाई करनी होती है, यानी कि जो 8 अप्रैल 2020 को डेबिट एंट्री हुई थी 50,000 रुपए की, उसके लिए उसके पास टाइम है 7 अप्रैल 2021 तक, तो उसमें से 20,000 अभी ऑलरेडी जमा हो चुका है। तो यदि हम मान के चले तो उसको अभी कितना जमा करना बाकी बचता है, रुपए 30,000। और जो एंट्री उसके पास 40,000 की 1 जून 2020 को हुई थी उसके लिए उसके पास कब तक का समय बनता है, 31 मई 2021 तक। तो एक ही थंब रूल है कि कोई भी एंट्री एक साल से ज्यादा विद स्टैंड नहीं करनी चाहिए। और यदि अकाउंट एक साल तक आप उसको एंट्री को रिवर्स नहीं करते हैं, यानी कि कोई भी डेबिट एंट्री सेटिस्फाई नहीं होती है, तो आपका अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर यानी कि इरेगुलर हो जाता है। और केसीसी अकाउंट के लिए जो हमारे आईआरएसी नॉर्म्स हैं वो कहते हैं कि यदि हमारे पास जो केसीसी अकाउंट है और उसमें जो क्रॉप शो की जा रही है वो एक शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, तो यदि आपका अकाउंट 2 crop seasons के लिए आउट ऑफ ऑर्डर रहता है तो आपका अकाउंट एनपीए हो जाता है। और यदि एक लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप का अकाउंट है तो यदि आपका यह अकाउंट एक लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप यानी कि एक सीजन के लिए आउट ऑफ ऑर्डर रहता है तो आपका यह अकाउंट एनपीए हो सकता है। थैंक यू।